जय श्री कृष्णा दोस्तों, अपना देश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम सुनने जा रहे हैं परिवर्तनी एकादशी की पूजा विधि और व्रत कथा के बारे में। दोस्तों परिवर्तनी एकादशी जिसे वामन एकादशी भी कहा जाता है, इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है और ऐसा माना गया है, शास्त्रों में ऐसा बताया गया कि देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु योग निद्रा में जो गए हुए रहते हैं वो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की इसी एकादशी को करवट लेते हैं, इसीलिए इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों इस एकादशी के बहुत सारे नाम और इस एकादशी में विशेष तौर पर लक्ष्मी पूजन करने का विधान है। इस एकादशी को वामन एकादशी, जल झूलनी एकादशी, डोल ग्यारस, पार्श्व एकादशी, जयंती एकादशी आदि कई नामों से जाना जाता है। दोस्तों ये एकादशी हमारे सभी पापों को नाश करने वाली होती है और शास्त्रों की माने तो इस एकादशी की व्रत से वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है और माना जाता है कि इस व्रत के करने से पूर्व जन्म और इस जन्म में किए गए सभी पापों से हमें मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों इसलिए इस व्रत को जरूर से करना चाहिए। इसकी पूजा विधि जैसे नॉर्मल एकादशी की पूजा होती है वैसे ही होती है। एकादशी में जो व्रत रहता है वह पहले दिन शाम से ही शुरू हो जाता है। सूर्यास्त के बाद में आपने भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, हो सके तो दशमी तिथि को आपने लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, शाकाहारी और सात्विक भोजन ही आपने दशमी की रात को शाम तक खाना चाहिए। रात को भोजन अवॉइड करना चाहिए क्योंकि एकादशी का जो व्रत है वो दशमी तिथि की रात्रि से ही शुरू हो जाता है। पूरे मन से इस व्रत को करना चाहिए। दोस्तों इस व्रत की पूजा विधि और कथा को आप पूरा सुने, ध्यान से सुने। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर से कीजिएगा और दोस्तों इस कथा को, पूजा विधि को आपने अपने फ्रेंड्स फैमिली में जो भी इस व्रत को करते हैं उनका शेयर जरूर से करना है। तो चलिए जानते हैं इसकी पूजा आपने किस तरह से करनी है। एकादशी वाले दिन जल्दी उठकर स्नान इत्यादि करके आपने एकादशी के व्रत का संकल्प लेना है। संकल्प लेने के लिए हाथ में जल पुष्प अक्षत रख के भगवान श्री हरि के सामने बैठ के आपने संकल्प लेना है ताकि आपका व्रत बहुत अच्छी तरीके से पूर्ण हो जाए। इस दिन आपने भगवान विष्णु के साथ माता पार्वती की पूजा करनी होती है। दोस्तों सबसे पहले आपने घर को साफ सुथरा कर लेना है, उसके बाद में हो सके तो घर के बाहर आप रंगोली बनाएं, मंदिर के पास में रंगोली बनाएं, घर के मेन गेट पे आम के पत्ते लगाएं और फिर नॉर्थ ईस्ट में घर के ईशान कोण में चौकी लगाकर उस सुंदर सा आसन लगाए माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु को आपने विराजमान करना है। सुगंधित धूप बत्ती लगाना है और साथ ही दोस्तों घी का दीपक आपने उस दिन जो स्थापित करना है। और दोस्तों इस दिन आपने पूजा में तुलसी पत्र और ऋतुफल जरूर से रखना चाहिए। जो ऋतुफल इस टाइम अवेलेबल, जो फ्रूट्स की सीजन है वही ऋतुफल आपने पूजा में रखने चाहिए और नैवेद्य आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी चीज़ का जो है वो भोग लगा सकते हैं। और दोस्तों पूजा करनी है आपको पूरे मन से, जो भी मंत्र आपको आते हैं वो कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। इसके साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपने जरूर करना चाहिए। श्री सूक्त का पाठ करना भी बहुत अधिक फलदायी होता है। और दोस्तों जब भी आप माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, महालक्ष्मी अष्टकम जो पढ़ते हैं उन्हें जो है माँ लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो जब भी आप माँ लक्ष्मी की पूजा करें तो भगवान इंद्रदेव द्वारा जो रचित अष्टकम मंत्र है उसको भी आप जरूर से पढ़ें। और दोस्तों इस व्रत में आपने चावल नहीं खाना है, अन्न बिल्कुल से नहीं खाना होता, फलाहारी भोजन करना है, साबूदाना है, कुट्टू के आटे की पूरियां, जो भी व्रत का या फलाहारी जो भोजन है वो आप आराम से कर सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं। सुबह में आपने पूजा करके कथा करने के बाद में आप अपनी अच्छी इच्छा के अनुसार दूध चाय फ्रूट्स वगैरह लेकर आप व्रत कर सकते हैं। सिर्फ आपने नमक और अनाज को अवॉइड करना है। और इस व्रत को करने के बाद में दोस्तों द्वादशी तिथि के दिन आपने सुबह में दान इत्यादि करने के बाद में व्रत का पालन करना चाहिए। इस दिन दोस्तों दूध है, दही है, चांदी यानी सफ़ेद चीज़ों का, चावल इत्यादि का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अपनी इच्छा अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार आप कुछ न कुछ जरूर से दान करें। अगर ब्राह्मण को भोजन करवा सकते हैं, किसी गरीब को भोजन करवा सकते हैं तो भोजन अवश्य करें। उसके बाद में आपने पूजा करके अपना व्रत खोलना है। तो इस तरह से आपने करना है ये व्रत। तो अब चलिए सुन लेते हैं इस व्रत की कथा। पौराणिक आख्यान के अनुसार त्रेता युग में बलि नाम का एक दानव था, परंतु दानव होते हुए भी भक्त, दानी, सत्यवादी और ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। साथ ही वह सदैव ही यज्ञ और तप किया करता था, लेकिन अपनी भक्ति के प्रभाव से वह इतना बलवान होने लगा कि वह स्वर्ग में इंद्र के स्थान पर राज्य करने की कोशिश करने लगा। देवताओं को इससे समस्या हुई तो उनकी समस्या का समाधान करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु वामन रूप धारण कर पृथ्वी लोक पर जाने को
विचार बनाए। वे वामन रूप में राजा बलि के सामने पहुंचे, उनसे याचना की कि हे राजन, तुम मुझे 3 पग भूमि दे दो, इससे तुम्हें 3 लोक का दान का फल प्राप्त होगा। राजा काफी दयालु थे, उन्होंने सोचा कि छोटा सा बालक कितनी जमीन ले लेगा, इसलिए उन्होंने वामन का आग्रह स्वीकार किया। राजा बलि श्री हरि को पहचान न सके, वामन को श्री हरि के अवतार थे, आज्ञा पाते ही उन्होंने अपना आकार बढ़ाया और वे इतने बड़े हो गए कि शायद पृथ्वी भी छोटी पड़ गई। आकार बड़ा करते ही वामन देव ने अपने प्रथम पग में भूमि और दूसरे पग में नभ ले लिया। अभी वे तीसरे पग को रखने ही वाले थे कि राजा बलि की चिंता बढ़ गई। वामन देव ने पूछा कि बताओ राजा बलि, अब मैं ये तीसरा पैर कहाँ रखूं? ऐसे में राजा ने तीसरा पग रखने के लिए अपना सिर आगे बढ़ा दिया, जिसे देखते ही वामन ने अपना पांव उस पर रख दिया। इस तरह स्वर्ग एवं पृथ्वी लोक एक साथ साथ राजा बलि पर भी वामन देव का अधिकार हो गया। पौराणिक आलेखों की माने तो इसके बाद भक्त दानव पाताल लोक को चला गया और सभी देवों को उसकी शक्ति से छुटकारा मिल गया। लेकिन पाताल लोक जाकर भी अपने कठोर तप से राजा बलि ने फिर से भगवान श्री हरि को प्रसन्न कर लिया, वरदान के रूप में वामन देव को पाताल लोक में पहरेदार बनने की विनती की। और यह समय भाद्रपद मास का था और हिंदू पंचांग के अनुसार ये समय शुक्ल पक्ष के भीतर आता है, तभी से हिंदू धर्म में इस दिन वामन एकादशी मनाई जाती है। और एक मान्यता के अनुसार इस दिन दोस्तों श्री हरि, जो कि पहले से ही चतुर्मास के बाद अपनी शयन अवस्था में करवट बदलते हैं, तो इसीलिए दोस्तों इस एकादशी का विशेष महत्व हो जाता है। लेकिन दोस्तों इस एकादशी में भगवान श्री हरि के अलावा भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और महेश की पूजा करने का भी विधान है। तो ये थी दोस्तों परिवर्तनी एकादशी की पूजा विधि और व्रत कथा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर से कीजिएगा, साथ ही साथ अपना देश चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, साथ ही घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, और साथ ही कॉमेंट में अपने इष्ट देव का नाम जरूर लिखें। जय श्री हरि।